जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक का जो है फर्स्ट सीटिंग में जो है सोशल साइंस आने की सामाजिक विज्ञान का अभी अभी परीक्षा देकर आ रहे उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं को इस वीडियो में 1 से लेकर 80 तक का जो है करेक्ट आंसर जो है आंसर की आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग फुल आंसर की जो आप लोग मिलान कर लीजिए, 1 से लेकर 80 तक एक भी आंसर को जो है इस वीडियो में नहीं छोड़ने वाला हूँ। एक भी प्रश्न की हमारे पास सेट कोड जो अवेलेबल है, ए सेट कोड जो है अवेलेबल हो सकता है, आपके पास बी होगा, सी होगा, डी होगा, कोई भी हो, लेकिन आप लोग प्रश्न को खोज कर आंसर मिलान कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से जो है हम लोग 1 से लेकर 80 तक जो यहाँ पर देख लेते हैं, 1 से 80 तक का। तो चलिए यहाँ पर जो फटाफट से फर्स्ट नंबर प्रश्न पूछा गया है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला, राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, दो नंबर है, श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो 1948 में, तो दो का राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, तीन नंबर, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को बहुजन समाज पार्टी, राइट आंसर बी सही है। चार नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन जो है नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है? तो इसका जो है आप लोग को मकान कर हो जाएगा, राइट आंसर जो है चार का ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाँच नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन पंचायती की जो पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ये जो है ग्राम सभा हो जाएगा, पाँच का ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, छः नंबर प्रश्न पूछा गया, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो करता है राष्ट्रपति, आप सभी को पता होंगे, बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर सी सही है। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और फटाफट से कमेंट करते चलिए कि आप लोग कौन कौन से ऑप्शन जो है यहाँ पर टिक करके आए, ओएमआर शीट में फिलअप करके आए। सात नंबर प्रश्न पूछा गया, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है अनुच्छेद 42 में, राइट आंसर जो आप लोग को सात का सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, आठ नंबर प्रश्न है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं? तो ये जो सुलझाए जाते हैं आने की ए और बी दोनों होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। आप लोग सी मार के आए या दीवानी मामले मार के आए हो, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नौ नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो ये जो हो जाएगा राजनीतिक दल, नौ का राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, दस नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो दस का राइट आंसर 1925 हो जाएगा, राइट आंसर ए सही। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा, राइट आंसर बी सही है। चलिए यहां पर 12 नंबर प्रश्न पूछा गया, भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो ये जो हो जाएगा संसदीय व्यवस्था, 12 का राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु आप सभी को पता होंगे 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती इनमें से सभी है, जैसे में आप लोग को पता है कि यहाँ पर जो है अफसरशाही और अशिक्षा और जातिवाद, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो 1975 में, राइट आंसर 15 का ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, 16 नंबर, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो ये जो करना चाहिए यानी कि सागर तट से दूर, राइट आंसर बी सही है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, सुखाड़ का कारण है? तो जल का अभाव, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, तो राइट आंसर 19 का डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 नंबर, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ये जो है आयताकार होनी चाहिए, राइट आंसर डी सही है। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है? तो कौन है? कर्नाटक है, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे? तो इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा, सी सही है 23 नंबर प्रश्न की। 24 नंबर प्रश्न है, हीरा कुंड परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये जो हो जाएगा सतलज, राइट आंसर जो आप लोग को 24 का आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 25 नंबर, निम्न में से जो है कौन जीवाश्म ईंधन है? तो 25 का राइट आंसर डी सही है, इनमें से सभी पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न पूछा गया, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो तारापुर में, राइट आंसर 26 का डी सही है। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग को उत्तराखंड, बी सही है।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 28 नंबर, सिंदरी किस उद्योग के लिए जो है जाना जाता है, तो ये जो जाना जाता है सीमेंट उद्योग के लिए, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 29 नंबर, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि जो है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है, बेंगलोर। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, मंदार पहाड़ी किस जिले में है, तो ये जो है आप लोग को मुंगेर में हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो ये जो हुआ था सासाराम नगर का विकास मध्ययुग में, राइट आंसर बी सही है। 33 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या, इलाहाबाद से हल्दिया तक। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो ये जो हो जाएगा चीनी उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को गुजरात में, डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये जो हुआ था यानी कि रियो डी जनेरियो में, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 37 नंबर, निम्न में से कौन खरीफ फसल है, तो आप सभी को पता होंगे कपास, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है, तो राजस्थान में मिलती है, राइट आंसर बी सही है। 40 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन से है, तो आप सभी को पता होना चाहिए उत्तर पूर्वी रेल, 40 का आप लोग को किया यानी कि डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो ये जो किया गया यानी कि 1953 में, राइट आंसर 41 का डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा जल परिवहन। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, मुगाओ बंदरगाह कहाँ है, तो आप सभी को पता होंगे गोवा में, 43 का बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो कांडला जो है आप लोग को जो है गुजरात में, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये जो है आप लोग को मुंगेर में, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर, जलवेरिन संबंधित था, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को व्यापारियों से, राइट आंसर जो बी सही है। 47 नंबर प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो ये जो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर है, वियना सम्मेलन कब हुआ, तो वियना सम्मेलन जो हुआ था आप लोगों की 1815 में, राइट आंसर ए सही है। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी है, तो ये जो है आप लोगों को ब्रिटेन की, राइट आंसर 49 का सी सही है। 50 नंबर प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो ये लेनिन ने किया, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, हनोई में, राइट आंसर ए सही है। 52 नंबर प्रश्न, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, तो ये जो हुआ था आप लोगों की 52 का राइट आंसर जो है रोल्ट एक्ट, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 53 नंबर, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। 54 नंबर प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान जो है दी गई थी, तो बारदोली, राइट आंसर जो है 54 का आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 55 नंबर है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो ये जो किया था आने की जॉन के, राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, तो ये जो कलकत्ता में की गई, 56 का राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है, तो आप सभी को पता होंगे राजा राम मोहन राय, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है, तो मराठा मराठी यानी कि जो है डी सही है। 59 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो 10वें, राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, ये जो हुआ था आने की जो है 60 का 1912, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 62 नंबर, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो ये जो हुआ था आने की जो है 1975, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर, दिसंबर
1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो ये जो फहराया गया रावी, राइट आंसर जो है सी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को मास्टर दा था, राइट आंसर बी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर, इटली के एकीकरण के निम्न में से किसने योगदान दिया था? तो ये जो दिया था किसने दिया था, यानी कि इनमें से सभी ने, मेजनी ने भी और गैरिबाल्डी ने भी और अकाउंट काबूर ने, राइट आंसर डी सही है, ये सभी ने दिया था। और चलिए 66 नंबर प्रश्न है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त विभाग जारी करता है, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी जो आर्थिक क्रिया शामिल है? तो ये जो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि 67 का राइट आंसर डी कृषि खनन और पशुपालन, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर, निम्न में से जो कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को बैंक ड्राफ्ट, राइट आंसर 68 का बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये जो हुई थी यानी कि 1995 में, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी, राइट आंसर बी सही है 70 नंबर प्रश्न की। 71 नंबर प्रश्न है, कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह ये जो है एक मार्क, राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 72 नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुई थी 72 का राइट आंसर 1954 में, राइट आंसर बी सही है। 73 नंबर है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को सामाजिक कल्याण हो जाएगा, सी सही है। 74 नंबर प्रश्न है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो ये जो होता है आने की जो 74 का राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है, आर्थिक वृद्धि। 75 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? डेबिट कार्ड है, राइट आंसर सी सही है। 76 नंबर प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो ये जो आप लोग को क्या हो जाएगा 76 का राइट आंसर सेवा क्षेत्र, सी सही है। 77 नंबर, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है? तो छिपी बेरोजगारी जो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, 77 का राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबाल है, राइट आंसर 78 का आप लोग को सी सही है। 79 नंबर प्रश्न है, साख का आधार क्या है? तो साख का आधार जो विश्वास है, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो ये जो खरीदता है उपभोक्ता, राइट आंसर सी सही है। तो हम लोग इस वीडियो में जो है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो है 1 से लेकर 80 तक का जो है करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर देख लिया, 1 से लेकर 80 तक का। आप लोग वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग को कितना जो है सही हुआ है, कितना जो आप लोग OMR शीट में सही सही प्रश्न को फिलअप करके आए हैं, आप लोग गोले को भर के आए हैं। वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।